आज हम आए हैं कुरुक्षेत्र के श्री सर्वेश्वर महादेव जी के मंदिर। कहा जाता है ये मंदिर 5000 साल पुराना है। यहाँ पे महाभारत से भी पहले यानी महाभारत कालीन से भी पहले से ही शिव जी का शिवलिंग यहाँ पर स्थित है, मौजूद है। कहा जाता है कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए कृष्ण जी ने ये भूमि इसलिए चुनी थी क्योंकि ये भूमि बहुत दिव्य है। यहाँ पे मरने वाला हर व्यक्ति सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। देखो ये जो सरोवर है ये ब्रह्मा जी का, ये ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए सबसे पहले यहाँ ये ब्रह्मा जी का यज्ञ कौन है, इसलिए इसका नाम है नरसिंह। और इसी जगह पे शिवलिंग की स्थापना ब्रह्मा जी की, तो ये जो जगह है वो आदि काल, मगर समय समय पे बनता रहता है, बदलता रहता है, तो ये होता रहता है। अगर जगह हुई तो यहाँ पे जब सूर्य ग्रहण लगता है तभी का स्नान का होता है। सूर्य ग्रहण वाले दिन यहाँ पर लाखों लोग आते हैं, अंदर और बाहर कहीं पैर रखने की जगह नहीं होती, स्नान करने के लिए। और हर महीने के अमावस के दिन यहाँ स्नान होता है और पितरों की शांति के लिए भी गुजरे यहाँ घाट पर हर महीने की अमावस। तो ऐसा कहते हैं महाभारत के पहले माता कुंती और पांच पांडवों ने यहाँ बैठ कर पूजा की और सूर्य ग्रहण पे एक बार द्वारका से कृष्ण भगवान यहाँ स्नान किए। तो ये दो जगह हो पहले से, तो पहले तो ये खुला था, गवर्नमेंट ने 1979 में मक्का पर लाखों मानस एक साथ में स्नान कर सके और ये परंदा बनाया और किसी ने ले सके, क्योंकि उसी समय इतना लोगों का रहने की जगह कहाँ मिली।